नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। उमरिया जिले के अतरिया गांव को आज से प्रशासन ने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव से पुलिस कब जाएगी इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि 2016 में सिंचाई विभाग ने अतरिया गांव में 12 करोड़ की लागत से जलाशय निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसका ग्रामीणों ने तभी से विरोध करना शुरू कर दिया था। जलाशय निर्माण एजेंसी द्वारा नहर का कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन जलाशय निर्माण का कार्य 4 वर्षों बाद भी ग्रामीणों द्वारा मुआवजा लिए जाने के बाद भी विरोध करते रहने से शुरू नहीं हो पाया। लिहाजा 24 नवंबर को प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से भारी पुलिस बल के साथ प्रस्तावित जलाशय निर्माण स्थल की ओर प्रवेश किया, लेकिन ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग करते हुए पुनः विरोध शुरू किया और प्रशासन की टीम को बाहर ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन तैयारी के साथ ही पहुंची प्रशासनिक टीम ने गांव वालों के विरोध को दरकिनार करते हुए हल्का बल प्रयोग किया और 8 ग्रामीणों की गिरफ्तारी कर ली है, जिससे ग्रामीण तितर बितर हो गए। प्रशासन की टीम निर्माण स्थल तक पहुंची और जलाशय निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रामीणों के संभावित उग्र प्रदर्शन को देखते हुए गांव एवं निर्माण स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांव के चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है और निर्माण स्थल में भी पुलिस अधिकारी डेरा जमाए हैं। कहाँ रहते हैं? अतरी। क्या समस्या बताइए। हमको ये बांध की समस्या है सर, ये जगह जमीन की। हमारी ये बांध बनने लगा, हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे पास में महुआ की पेड़ी है, फलदायक है और फूल फल फूल करता है तो हम खाते हैं, वो फरता है तो उसके तेल भी निकालते हैं। बस हमारे कोई की मुआवजा नहीं मिल रहा है, न जमीन का मिल रहा है न पेड़ पौधों का। आप लोग क्या चाहते हैं? हमको जमीन चाहिए। जमीन के बदले जमीन चाहिए? जमीन चाहिए। अच्छा, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन अब नहीं दे रहा है, अब देने के अब सत्ता नहीं कर रहे हैं। तो काम लगाया तो मुआवजा मिल गया आपको? नहीं मिला है सर। तो बगैर मुआवजा के काम चालू कर दिए और कहा। आज की क्या स्थिति है यहाँ की? अब यह स्थिति अब क्या है, स्थिति अब ऐसे अब हट गएंगे आदमी यहाँ वहाँ। तो ये जमीन तो आपकी डूब जाएगी? हाँ, डूब जाएगी। फिर क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे आप, यहाँ वहाँ भटकेंगे। आज क्या स्थिति है आज की? आज की स्थिति अब क्या है, वही तो है, अब बांध बन रहा है और हमारी स्थिति बिगड़ रहा है। कितना फोर्स आया है आज? बहुत फोर्स आया है। काहे के लिए आए हैं ये? आए हैं बाहर से टीम आया। काहे के लिए? क्या कोई बातचीत हुई गांव वालों के बीच में, इनके बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई? हाँ भाई, ये मेरी बात। क्या क्या बात हुई? ऐसी बात हुआ है कि हमको जमीन के बदला जमीन चाहिए, हैं हमारे पेड़ पौधा है, महुआ है, इनों के मुआवजा नहीं मिल रहे। पेड़ पौधा आम है, उनके भी नहीं मिला कुछ, तो हमको कुछ तो समझौता देना चाहिए। हैं हम कहाँ जाएँ? अरे आपको बांध बनाना है तो हमको जहर दिया जाए, यही लड़ाई। जमीन चली जाएगी तो अब फिर क्या करोगे? तब क्या करेंगे सर? अच्छा, काफ़ी पुरानी योजना है, इसका निर्माण कार्य कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा था, तो इसमें आज एसपी साहब के सहयोग से पुलिस बल उपलब्ध हुआ, तो आज पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ कार्य प्रारंभ कराया गया है और अब ये बहुउद्देशीय जो योजना है ये जल्दी पूर्ण होगी और इससे कई गाँव के लोगों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। देखिए, क्या कानूनी तौर पर जो भूअर्जन अधिनियम के तहत मुआवजा बनता है वही देने की शासन की योजना है और उसी के तहत उनका भूअर्जन किया गया है और मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है। मात्र कुछ लोग हैं, शायद 7-8 लोग हैं जिन्होंने अभी मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो नियम है उसी के अनुसार दिया जाएगा। भूमि के बदले भूमि देने का कोई नियम नहीं है। ये अतरिया जलाशय का निर्माण कार्य आज प्रारंभ हुआ है। पुलिस बल इसलिए यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है जो संभावित एक कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें अपने जिले की पुलिस तथा पुलिस मुख्यालय से भी हमने बल की मांग की थी और हमें बल प्रदाय किया गया है, जो पुलिस मुख्यालय से भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय शहडोल के द्वारा भी हमें बल प्रदाय किया गया, तो ये सब विभिन्न जिलों का और पुलिस मुख्यालय का बल लगाकर फिर हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अब वो एग्जैक्ट संख्या मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लगभग 200 के आसपास का फोर्स है
और हमारे पास और भी रिजर्व फोर्स भी है, अगर हम जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु वो कानून व्यवस्था की संभावित जो भी स्थितियां होंगी उसी के अनुरूप हम अपना बल डिप्लॉय करते रहेंगे।